खुशी में मेरे पापा के बैग की तलाशी ले रही हूँ है। अभी मैं पापा को फोन करके बताती हूँ, आने दो पापा को जरा। तुम मेरे साथ सो रही हो। वो मेरा भी कमरा है। वो मेरा कमरा है। आफ्टर एंगेजमेंट जो भी वो चीजें मेरे लिए लेकर आता था ना, मैंने यहाँ पे सारी सेव करके रख ली। हम जब ऑफिस जाते थे ना, तो उस ऑफिस में रैंडमली मैंने ये लिखा था। सामान कब खत्म होना तुम्हारा? अरे ये नहीं खत्म होना। चाचू पर चाचू की हरकतें देखते हैं कि चाचू ने घर का क्या हाल किया। अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ओह माय गॉड। अरे Welcome to another vlog. Welcome to another very beautiful day. मेरा आज का खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है क्योंकि मैं कल से बल्कि परसों से अपनी अम्मा की तरफ आई हुई हूँ और मैं अभी तक यहीं पे हूँ और ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि मेरी शादी हुई है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं वापस बस किसी ट्रिप पे गई हुई थी, वापस आ गई और अब यहीं पे रह रही हूँ। खैर घर तो जाना ही है अपने किसी ना किसी दिन। और अभी सिर्फ उठी हूँ, मेरी बहनें बाहर उठी हुई हैं और अब मैं मोस्टली आपको ऊपर वाले पोर्शन में नहीं नीचे वाले पोर्शन में नजर आऊंगी क्योंकि यहाँ मुझे ज्यादा पनाहियत फील होती है। मेरी अम्मा यहाँ होती हैं तो मैं सारा टाइम उनके पास ही होती हूँ। निकलते हैं, मम्मा पता नहीं कहाँ पे है इस वक्त, उनसे नाश्ता वाश्ता मांगते भी। आई जस्ट वोक अप और थोड़ा फ्रेश फ्रेश होंगी, थोड़ा तैयार होंगी। अभी तक थकावट नहीं निकल रही है यार ट्रिप की। पता नहीं कैसा हम ट्रिप करके आए कि ट्रिप पे लोग रिलैक्स होके आते हैं, हम थक के आए। तो अभी अगर आप लोगों ने से पहले मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हेलो हेलो एवरीवन, तुम तीनों क्या इकट्ठी होके बैठी हुई हो गाइस? हेलो गाइस, गाइस को हेलो करो, कितने देर बाद तुम लोग ऐसे इकट्ठी है। तो गाइस इनके कोई मसले चल रहे हैं इंपॉर्टेंट फोन पे, ये उनको तलाश रही हैं और ये पूरा मसला ही यहीं बैठा। हाँ, मैं वो देख रही थी पापा के एयरपोर्ट्स कहाँ पे हैं। क्या मतलब? पापा को जो आपने एप्पल के दिए। हाँ वो एयरपोर्ट्स मैं तुम्हें बताऊंगी, मुझे क्या पता पापा ने कहा दिया। तुम क्यों किस खुशी में मांग रही हो? वो साथ लेके चलेंगे लेकिन मुझे लगता है पापा यूज नहीं करते। आपने पापा को क्यों दिया? ये कितनी बदतमीज है, पापा को जो मैंने गिफ्ट दिया वो तुम किस खुशी में मेरे पापा के बैग की तलाशी ले रही हो हैं? व्हाट, व्हाई आर यू स्माइलिंग? बदतमीज, पापा ने भी यहाँ रखे हुए। पापा को नहीं पता क्योंकि औलाद कितनी चोर है। मुझे नहीं पता, जब तक नहीं आ रहे टेस्ट कर लेते। तुमने क्या उन्होंने खोल के रखे हुए? उन्होंने मुझे पता है, उन्होंने टेस्ट पता खराब वाला वो चेक कर लेता हूँ ना। नो गॉड प्लीज नो नो, इसको रखो वापस। कितना जवाब मुझे क्यों नहीं देती हो यार? तुम्हारे लिए मैं दुनिया की कुछ भी ले आऊं, तुम्हें यही मसला रहेगा कि आप ही कुछ लेके नहीं आती है। तुम्हारी मैंने चित्रोल कर देनी है प्रॉपर तरीके से। ओ माय गॉड, अभी मैं पापा को फोन करके बताती हूँ, आने दो पापा को जरा। ठीक है ना, तुम फूल हो और एयरपोर्ट स्कूल है। अब हम चलते हैं, मैं नाश्ता करने। ये तुम्हें पापा पूछेंगे, तुम लगी रहो। मम्मी नाश्ता। मम्मी मम्मी आवाज ही नहीं सुन रही, अभी तो अंदर थी, मुंह साफ करनी थी। मम्मी नाश्ता। अभी भी नाश्ता? हाँ फिर आज नाश्ता क्या खाना? अब मैंने कहा आपको फील लेना हो कि मैं गई थी। अब हम करते हैं भाई अपना नाश्ता और साथ में हम अपना कुछ सामान निकालते हैं क्योंकि हमारा काफ़ी सारा सामान यहाँ पे है और जो मुझे वहाँ पे लेके जाना है और पता नहीं इन्होंने कहाँ रखा है। अभी जाके नाश्ते के बाद हम अपना सारा सामान निकालते हैं। तुम दोनों बहनों ने मेरी कोई खिदमत करने का सोचा कि नहीं सोचा? इतने दिन से मेरे साथ सो रही हो, वहाँ पे ऊपर गॉसिप्स कर रहे हैं, वो खिदमत होती है। कितनी तुम बदतमीज हो, वो तुम मेरे साथ सो रही हो, मैं अपने कमरे में जाके सो रही हूँ। तुम मेरे साथ रही हो कि नहीं सो रही? तुम मेरे साथ सो रही हो। वो मेरा भी कमरा है। वो मेरा कमरा है। मम्मा मम्मा ये लड़ रही है मेरे साथ, इसको कहो वो इकरा का कमरा है। मम्मा ने बड़ा सियासी जवाब दिया, मैं तो तंग। सामान तुम्हारा लेकिन कमरा वो मेरा, मुझे अभी भी इसमें जाकर भी फील आती है। लिख लो बाहर, तख्ती लगा दो। लगाऊंगी तख्ती। मेरे तेरा है। हीरा सुन, मेरे तो हम किसके हैं? एक सेकंड, ये घर किसका है? तुम हम किसके हैं? तुम्हारे हैं ना? हम सब तुम्हारे। यार मैं कितनी अमीर हूँ यार। जी गाइस, मेरी बहन ने मेरे लिए नाश्ता बना लिया, खुद पूरा रगड़ गई है। ठीक है, और मेरे लिए नहीं है। नहीं ये मेरी बड़ी बहन का ही है। यार हो गया। चलो जी अब हम खाते हैं नाश्ता, चेक करते हैं मानो की रेसिपी कैसी है। मजेदार। क्या क्या डाला इसमें? पी का बताओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एप्पल, खजूर है ना? है ना? मानो मैं बचपन में खाती थी ये फ्रूट, मुझे पता है उसका टेस्ट कैसा होता है। अरे ये तो मुझे पता है, वैसे मुझे लगता नहीं था एप्पल बता पाऊंगी। A few moments later. चले जी गाइस, फाइनली मेरा नाश्ता वाश्ता हो चुका था और अरीब भी आए थे बिल्ली को लेके, छोटी वो बहुत रोया और उसको वापस ले गए क्योंकि मुझे लेने आए थे और मैं अभी तक रेडी नहीं हुई थी के साथ जाने के लिए। मैंने कहा पहले उसको छोड़ा है, शाम को आना क्योंकि ये देखें
इतना सारा ये मेरा सामान पड़ा है, एक डब्बा, दो डब्बा, तीन डब्बा, चार डब्बा, पांच डब्बा, ये सारा समझे कि मेरा जो घर का सामान है ना वो स्लो स्लो करके यहाँ से हो रहा है, और भी एक पूरा डिब्बा एंड सूटकेस वहां पे भी पड़ा हुआ है, सही है। वो देखें यहाँ पे ये सारा जब मैं यहाँ से जाऊंगी तो मेरा पूरा कचरा मेरे साथ चला जाएगा। और ये मोहतरमा का तुम कहाँ जा रही हो, तैयार हो गए हैं? ये वही जूते जी जो आपने मेरे गिफ्ट दिए हैं, चल दे दे वापिस अब। अच्छा जब जैनब ने पहने थे उसको पहने लिए थे? नहीं ये तो असल में तो मेरे हैं ना ये। हाँ ये तुम्हारे हैं, अच्छी लग रही हो आज तो तुम, बड़ी नीट क्लीन जॉर्डन्स में। क्या फर्क है भाई इनका, तुमने रोला डाला था कि मुझे यही चाहिए। जूते अच्छे होते हैं। मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया, मैंने बहुत मस्तियाँ कर ली हैं और मैंने अपना बस सामान लेना है यहाँ से, और मेरे कुछ डेकोरेशन पीसेस थे जिनके साथ मेरी मेमोरीज थी वो भी मैंने अपने घर ले जाके रखने हैं, वो मेरे कमरे में पड़े होते थे। गाइज मैं ना अपने सामान लेकर आई थी, उस सामान में से मुझे एक ये बड़ा स्पेशल सामान मिला, ये देखो ये मेरी यादों का सामान। ये मम्मा आपको बताऊं, ये तो मैं एक दिन फेंकने लगी थी मम्मा। नहीं ये फेंकने नहीं थे, आपको नहीं पता, अर्क निकाल के पीना। नहीं अब मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ कि ये मुझे अरीब ने ना जब गजरे दिए थे पहली बार, ये मैं सारे सेव करके रखती रही, उसने मुझे एक बुके दिया था ये मैंने सेव करके रखा, ये मैंने एक उसने एक दफ़ा फिर मुझे बुके दिया तब रखा, ये उसने मुझे चॉकलेट दी, तो ये मेरी वो मेमोरीज हैं। ये जो फूल हमेशा मुझे देता था ना तो वो सारे, मैंने लड़कियां होती हैं बड़ी सेंटिमेंटल तो उन्होंने अपनी सारी चीज़ें यहाँ स्टोर की होती हैं, तो ये मैंने आफ्टर इंगेजमेंट जो भी वो चीज़ें मेरे लिए लेकर आता था ना मैंने यहाँ पे सारी सेव करके रख ली थी। और ये चिट्ठी आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, हम जब ऑफिस जाते थे ना तो उस ऑफिस में रेंडमली मैंने ये लिखा था What's your name? और यहाँ नीचे उसने लिखा था अरीब परवेज। ये देखो ये हमारी एक मेमोरी है, ये हमारी वो ऑफिस की मेमोरी, और यहाँ उसने अपने नाम सारे लव स्टोरी के चक्कर ये मैंने तब से संभाला, और ये उसको भी नहीं पता कि ये मैंने संभाला हुआ है। अब जब वो आएगा मुझे लेने के लिए ना तो फिर मैं उसको दिखाऊंगी करीब, मैंने ये संभाल के रखा हुआ है। अभी मैं सिर्फ तैयार होने के लिए जा रही हूँ, तैयार होके फिर मैं आती हूँ और फिर बाकी के सिचुएशन आपको दिखाती हूँ। चलिए जी गाइस मैं हो चुकी थी रेडी, और अभी जो है वो अरीब साहब भी एंटर हो चुके हैं घर, आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक। याद आ गया घर वापस आना है? आपको याद आ गया मुझे लेके जाना? मैं तो सुबह भी आया था। हाँ आए तो काके ने इतना तंग किया, आप भी चला गया, फिर मैं सो गया, मैं सो के उठा तो प्रॉपर फ्रेश हुआ था, नहीं फ्रेश हुआ था फिर देखा आपके मैसेज आया, जैसे कॉल आई थी कि आजो लेने लेने आजो ले जाए जो। हाँ ओके तो अब हम चलते हैं, और ये हमारा इतना सारा सामान है जो गाड़ी में रखना है। भाई क्या है ये, तुम्हारा सामान किस दिन खत्म होना है? ये मेरा घर ऐसे जैसे कान नहीं खोली होती किसी चीज की, तो वो कान खुली लग रहा है मुझे, अभी सारा अंदर रखवाए। हाँ सारा गाड़ी में रखना, सबको मिल तो लूं फिर चलते। हाँ मिले हैं, बल्कि पहले जाके हम खाना शाना खाते हैं उसके बाद अंदर से मिलते हैं, और फिर ये सामान हम रखते हैं गाड़ी में। लेट्स गो। ओके ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। चलें जी गाइस हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था और अब हम लोग लगे हैं निकलने। चलें जी गाइस अरीब साहब बाहर सामान उनको मैंने भी ये वाला सामान तो दिखाया नहीं जो मैंने जिसके बारे में आपको बता दिया है। बाकी सारा ये मेरा सामान है, एक पर्सनल ये मेरा एक सामान है, याद करें ये क्या है। ये तो मैंने दिया है, वो है। नीचे क्यों फेंक रहे हैं सारे वो मेरी पेटल्स वेस्ट कर रहे हैं आप, मैंने इतनी देर से। ऐसी क्यों होती हैं लड़कियां ज्यादा प्यार करती संभाल के रखती हैं? नहीं ज्यादा प्यार करती इसलिए ऐसी होती हैं। मैंने पूरी इकरा को संभाल लिया, मैंने चीजें नहीं संभाली तो क्या हो गया। ये भी लेके जाने जी। अब हम लोग निकलने लगे हैं, मिलने लगे हैं मम्मी से। मम्मी गई थी सो, इतना मजे का मटन बना के खिला के सो के नींदे पूरी करके। मजे का खाना हो तो और ज्यादा नींद आती है, मजे का हो तो मम्मी ने बनाया हो तो और ज्यादा आती है। चले ओके मम्मी, अल्लाह हाफिज। देखो देखो मैं हमेशा अपनी मम्मी को कैसे देखती हूँ। नो जी नहीं, जी नहीं। ओके अभी वैसे मिलने का जरिए एक साथ ही होती है। चलो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चलो जी अब हम मिलते हैं पापा से, क्योंकि राबे से मैंने सुबह मिल लिया था, राबे चली गई थी। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय बाय। उनका ऑडियंस को कह रहे हैं बाय बाय। मानो पापा जी आपको एक बात बतानी थी, मानो की आपके एयरपोर्ट्स की तरह जो मैंने दिए थे वो ये ना गोल लगा के बैठे मेरे दो दिन पड़े हूँ। नहीं इसने सुबह आपके खोले हैं, आपके जाके डांटे हैं। क्यों खोले मेरे वाले एयरपोर्ट? देखे हैं जाके। कब दिखाए मुझे? इधर आना जरा बाहर। मुझे कहती है मम्मा को कहना कि मम्मा ने मुझे कहा था पापा का यूज कर लो, इसने खुद ही सारी डब्बी खोल ली है। हाँ हाँ वो देखो बैठी हुई है पूरी पार्टी कर रही है। हाँ जी
बोर हो रहे थे पापा भी फोन यूज करने का, खाली चल मानो ओके बाय बाय चल चल बाय ओके ओके यार ये देखो अम्मी के जहेज की रजाई में सुकून फरमा रही है। हाँ। मैं गोइंग हो रही हूँ। ओके मिल लो मिल लो मिलने के लिए बाय। चलो पंडा के साथ सो तुम जिंदगी। मैं मिस्टी बॉक्स लेकर आऊंगी शायद तुम्हारे घर, या तुम्हें घर बुला लूंगी। घर ही आ जाना मेरे, मेरे घर ज्यादा मजा आएगा, इंजॉय करेंगे। हाँ चलो बाय। अब हम लोग निकलने लगे हैं यहाँ से, क्योंकि मेरा अभी भी पूरा सामान कंप्लीट नहीं हुआ है, आधे से ज़्यादा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन अभी चूंकि गाड़ी में जगह कम थी और इसी वजह से। सामान देखा तुमने अपना है? हाई अल्लाह, ये सामान कब खत्म होना तुम्हारा? मुझे भी नहीं खत्म होना, जब भी आती हूँ आधा आधी घर लेके चली जाती हूँ, सामान भी नहीं खत्म हो रहा है। आप नहीं हो रही बंद? नहीं हो रही सामान ही सामान। अरे बाकी सीट्स पे रख देना। अच्छा ना, अब हम चलते हैं जी अपने घरों में, जाके देखूंगी ना कि मेरे घर का आपने क्या हाल किया हुआ, कितना गंद डाला हुआ है, क्या नहीं डाला हुआ। यही तो मसला है, यही तो मसला है। अरे जी लेट्स गो, होते हैं घर चलते हैं। चलें जी गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर, और घर होम स्वीट होम। अस्सलाम वालेकुम। चुप गया गट्टू, उठे सर हो गया। वो अभी जाना था, एक्साइटेड हो गया। मिलना नहीं है मेरे से। मेरे को मिट्टू सुपर एक्साइटेड, अब भी खुशियों से छलांगे लगा है। मिट्टू चाची आ गई है। सुबह क्या हो गया कर दे हाय हाय कर दो हाय कर दो हाय मम्मी। चाचू जाके ऊपर चाचू की हरकतें है, देखते हैं कि चाचू ने घर का क्या हाल किया। इधर ही बैठो, क्या करने जा रहे, इधर ही बैठो, कोई बात नहीं, इधर ही बैठो, इधर ही बैठो, इधर ही बैठो, इधर ही बैठो। ये चाचू और चाचू के पार्टनर को झाड़ू पकड़ाऊंगी, इसको तो आती है झाड़ू पकड़नी, चाचू को ठीक है, और जाके इनसे कराती हूँ मैं सफाई, चला जा सफाई करें। चलें जी गाइस, अब चलते हैं हम अपने घर और ऊपर जाकर पता है हाल है। ऊपर जाके यहीं पर ही सोते हैं, रेस्ट करते हैं, और टीवी शीवी देखें। हाँ टीवी पे बिल्ली देखें। इतनी मोटी दूसरी बिल्ली अपने कमरे में भाग गई है। हाँ आप भी चले ना, आप भी बिल्ली अपने कमरे में भागे। आज ऊपर का जरा हाल अहवाल मैं देखती हूँ। ये तो साफ सुथरा है, जैसा छोड़ के गई थी वैसा ही है। रिसेप्शन के साथ रहती हूँ, साफ सुथरा छोड़ के। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे लगता है यहाँ कोई बैठा ही नहीं है। मुझे लगता है आप यहाँ बैठे ही नहीं है आके, इसीलिए साफ सुथरा लग रहा है। नीचे क्यों वैसे ये जरूर डाल दो, कमरा तो देख लो क्या साफ है। तो मैं कह रहा हूँ तुम टेंशन नहीं दे रहे हो, चलाओ जल्दी से चलते हैं, कुछ खा पी के आते हैं। कुछ खा पी के आते हैं, सफर करें, मुझे देखने तो दें। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ओह माय गॉड, अरे ये क्या है? इसको आप सांस इधर आए, इतने इधर आए। ये कमरा मैं ऐसे छोड़ के गई थी, अस्तगफिरुल्लाह, एक रजाई उधर, एक उधर, एक उधर, क्या हुआ है? अल्लाह अपनी साइड टेबल का हाल देखा, और ये सूट कैसे खोलने हैं, अपनी जैकेट्स निकाली हैं तो इंसान उठा के अलमारी में रखता है। साफ तो है, बताएं गाइस, साफ नहीं है, बताएं। एक महीने बाद तुम आ रही हो, महीने अब दो दिन बाद। अरीब दो दिन में ये हाल तो नहीं था, पहले ऐसा ही था। अरीब अल्लाह आपने सूट कैसे खोले, मुझे पता है आपने अपने कपड़े शपड़े निकाले, ये क्या किया आपने? क्या मैंने क्या किया, मैं क्या करता, मैंने कपड़े सुगड़ बच्चा समझती थी मैं आपको। ये सुगड़ की बजाय ये तो थोड़ा सा ही गंदा है, बस फोड़ लड़का निकला, थोड़ा सा ही गंदा, इतना तो होता ही है गंदा, क्या करना है। अल्लाह इस लड़के ने, मैं एक बेडशीट दिखाती हूँ, जिस साइड पे ये सोता है बेडशीट निकली है, मैट्रेस नजर आ रहा है। कोई नहीं, बिल्कुल साफ, बंदा बिछा ले, एग्जैजरेट कर रही, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ है, क्या है गंदा, कुछ भी नहीं। ये जूते और मोजे देखो कहाँ पड़े हुए, इतना है। एक ग्लास में आपने पानी पीना होता क्या, और ये प्याली जिसमें आपने खाना खाया वो वैसे ही यहाँ रखी हुई। खाना नहीं, अल्लाह मेरे हस्बैंड ने इस कमरे का, एक मिनट एक चीज और मुझे दिखी है, एक मिनट रुको जरा, ये बोतल यहाँ क्या कर रही है, मुझे लगता है आप खेलते रहे हो। मैंने नहीं फेंकी, ये वो बिल्ली आई थी उसने फेंकी, मैंने नहीं, मैं जो आने फेंका, मैंने सारा
रमजान पे लगा दो सारा कर्ज उसने डाला, मैंने कुछ नहीं किया। अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अभी आपको झाड़ू फूकना क्यों गई थी दो दिन? अगर बीवी दो दिन के लिए जाएगी रेस्ट करने के लिए तो ये हाल होगा पीछे। हाँ तो यही हाल होगा, अब ना जाओ ना, अब ना जाना। अब नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगी कमरा लॉक करके जाऊंगी, आप यहाँ रहना ठीक है? हाँ सोफे पे सोना आप ठीक है? अभी साफ जाहिर है मैं ही करूँगी और कौन करेगा? सुगढ़ बीवी बीवी कान खींचेंगे कमरे का थोड़ा सा हुलिया बेहतर करती हूँ क्योंकि इस तरह मेरे से तो सोया सोया नहीं जाना है। वो 400 चीजें ने बिखेरी हुई है, शूज वूज निकालते हैं, हम यहाँ से थोड़ा सेटिंग करते हैं क्योंकि चलें जी गाइस ये देखें, मैंने घंटा लगा के पूरा कमरा साफ किया, सेट किया, मैंने घंटा लगा के सारा मैंने काम किया, कह रही मैंने घंटा लगा के साफ आपने किया? हाँ जी। मेरे अब गैर मौजूदगी में इस लड़के ने काम नहीं किया, देखो क्रेडिट लेने अरीफ साहब फौरन आ जाते, मैंने खुद सारा कमरा साफ किया। आपने सिर्फ यहाँ से सूटकेस उठा के तो अब देख ले पता चल रहा है कि ये प्रॉपर सही अब रहने के काबिल कमरा है। आपने तो इसको कबाड़ खाना बनाया हुआ था हैं? साफ लग रहा है, लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है, फील सांस आ रही कमरे में। ये मुझे समझ नहीं आती आप दो दिन उस हालात में कमरे में रहे कैसे थे? सांस आ रही थी। अब जो कल है ना हम लोगों ने क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि मेरा घर अभी सेट नहीं हुआ कम्प्लीटली। हमारे घर के अप्लायंसेस आने हैं, आधी फर्नीचर की चीजें आनी है, आधी डेकोरेशन की चीजें आनी है, तो किचन का सामान आना है, तो वो सारी चीजें जो है ना वो अब एक एक करके मैं लेकर आऊंगी और मेरी जो है वो एज अ वाइफ ड्यूटी होती है स्टार्ट। सामान गाड़ी में पड़ा उसका क्या करना है? वो आप लेके आएंगे ऊपर, फिर वो समेटा जाएगा। तौबा। कैसा लग रहा है शादी के रंग? खैर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो और व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और कल इंशाल्लाह रीफ से मैं सारे घर की सफाई करवाऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी। तो जी कल हम लोगों ने घर की शॉपिंग वॉपिंग करने जाना, तो इंशाल्लाह आप लोगों से कल ही मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।